बिहार व झारखंड में बीते दो वर्षों में टैक्स कलेक्शन में करीब 2000 करोड़ वृद्धि हुई है। 11000 करोड़ से बढ़कर 12800 करोड़ रुपए टैक्स वसूली की गई है। इस वर्ष दोनों राज्यों में 16475 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का टारगेट रखा गया है। इनमें सिर्फ बिहार से ही 13903 करोड़ और झारखंड से 2572 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका खुलासा करते हुए गुरुवार को आयकर सीबीडीटी के प्रधान महानिदेशक केसी घुमरिया ने किया। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद बिहार व झारखंड में लगातार टैक्स वसूली में वृद्धि हो रही है। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद दो सालों में बिहार व झारखंड में 10.5 लाख नए करदाता जुड़े हैं। ये दोनों सरकारों के लिए अच्छी बात है।